नमस्कार साथियों, मैं हूँ अमरिंदर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर कि अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासेज नहीं चल रही हैं सर, मतलब जल्दी क्लास कंटिन्यू करिए। तो इसके रिगार्डिंग हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लीट वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर, बहुत सारे बच्चे तो फ़ोन भी कर दे रहे हैं, मैसेज व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आप लोगों के, तो क्लासेज जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहे। इसके कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है कि जैसे हम लोग जो है वीडियो जो शूट करते हैं, शूट करने के बाद एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद अपलोड करते हैं, तो जो एक वीडियो या दो वीडियो को अगर हम लोग एडिटिंग और अपलोडिंग में जो टाइमिंग लगता है, लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो हम डेली जो है, मेरे वीडियो जो नहीं आ रहे हैं मैकेनिक्स के, बाकी फिजिक्स के और बेसिक इलेक्ट्रिकल के जनरली वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं। तो जो है, जो भी अदर लेक्चर होते हैं मेरे अलावा, वो उनकी रिकॉर्डिंग मतलब उनकी एडिटिंग या उनको अपलोडिंग भी मैं ही करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग जो है समय बहुत कम बच पा रहा है। और साथ ही साथ डाटा वाली प्रॉब्लम हो रही है, डाटा उतना मतलब दो वीडियो अपलोड करने में हमको लगभग रात के 9 बज जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि नोटिफिकेशन जो अपलोडिंग की वीडियो को आते हैं, लास्ट में जनरली 8:30 बजे 9 बज जाते हैं वीडियो अपलोड करके। उसके बाद मैं रूम पर जाता हूँ, रूम पर जाने के बाद फिर खाना बनाने खाने वाला प्रोसीजर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जा रहा है वीडियो को अपलोडिंग वगैरह में। और इसके रिगार्डिंग हमने आप लोगों से थोड़ा सा हेल्प भी मांगा था कि जो बच्चे लीड की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर उनको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमने कुछ फी रखा था, 100 रुपये फीस रखा था लीड के लिए और 50 रुपये रखा था मतलब मैकेनिक्स के लिए। तो मेरा यहाँ पे जो फीस आप लोगों से फीस लेने का पर्पज़ जो है, पैसा कमाना नहीं है, बस फीस लेने का पर्पज़ ये है कि जो भी कुछ समस्याएं आ रही नेट वाला, कि हम लोग नेट वाली व्यवस्था कर लें, कि ब्रॉडबैंड लगवा लें, तो ब्रॉडबैंड लगवाने में जो खर्चा है थोड़ा सा, और साथ ही साथ जब हम लोग मोबाइल से जब वीडियो की एडिटिंग करते हैं, तो एडिटिंग करने के दौरान होता क्या है कि हम लोग मोबाइल को जो है एरोप्लेन मोड में रखते हैं, क्योंकि अगर बीच में कोई कॉल आ गया है तो अगर हम लोग रिसीव कर लेते तो एडिटिंग जो है बीच में फिर कैंसिल हो जाता है, फिर हमको स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो एक वीडियो की एडिटिंग में लगभग 8 GB 9 GB के वीडियो रहते हैं, जो 30 मिनट के ऊपर के रहते हैं वीडियो, लगभग 8 GB 9 GB के वीडियो रहते हैं, उसको एडिटिंग में अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मोबाइल जो है मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है इन्हीं सब कामों में, और जो है कॉल वगैरह कुछ इमरजेंसी कॉल्स आते हैं तो उसको पिकअप करने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह या अपलोडिंग तभी हो पाएगा जब हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेंगे और एक दो एक्स्ट्रा मोबाइल होंगे वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, शूट करने के लिए और साथ ही साथ अपलोड करने के लिए, क्योंकि कैमरे वाला कास्ट जो है बहुत महंगा आता है। कैमरामैन के लिए अच्छी क्वालिटी का कैमरा जो 40 से 50 हज़ार में आएंगे। तो अभी हम लोग जो है मोबाइल से ही काम चला रहे हैं, तो अभी हमारे ही मोबाइल से जनरली शूट होता है, तो मोबाइल जनरली बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो एक दिन में जो 3 से 4 वीडियोज नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं मतलब फ्यूचर में। अभी क्या है कि ऑफलाइन बैचेज इतने चल नहीं रहे हैं, जैसे जैसे ऑफलाइन बैचेज चलेंगे पैसा मिलता जाएगा, तो हम लोग यूट्यूब पर ही इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे, जैसे कि हमने जो लीट बैच के लिए जो 100 रुपये फीस रखा है, कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अगर 100 रुपये फीस जमा करेंगे, तो हम लोग जो है अपना प्रोसीजर, अगर ऐसे 100 बच्चे मिल जाते हैं जो 100 रुपये फीस जमा करते हैं, तो 10,000 रुपीज़ आ जाएंगे। तो हम लोग कुछ पैसा और अपने पास से लगा करके जो है एक अच्छे क्वालिटी का मोबाइल खरीद लेंगे, जिससे हम लोगों की जो वीडियो है, वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी भी और बढ़ जाएगी, साथ ही साथ हम लोग एक दिन में 4 वीडियो 5 वीडियो जो है अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो बस इतना ध्यान रखिए कि जो हमारा मेन मोटो था पैसा लेने का, नोट्स का पैसा लेने का मेन मोटो ये है, पैसा कमाना नहीं है, बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा और फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। तो अगर आप लोग जो थोड़ा सा हेल्प करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है और अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और एक दिन में जो है हमने फर्स्ट ईयर के मैक्सिमम सब्जेक्ट सोच रहे हैं कि जो सेकंड सब्जेक्ट सेमेस्टर की क्लास है उसको कंटिन्यू रखा, जैसे अभी मैथ की क्लास नहीं स्टार्ट हो पा रही है इसी वजह से, तो मैथ फिजिक्स बेसिक इलेक्ट्रिकल चल ही रहा है, मैकेनिक्स भी चल रहा है, तो इनकी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। बाकी लीट की कुछ क्लासेस जो है पिछले साल मैंने कुछ सब्जेक्ट करवा दिए थे, तो अगर टाइम मिलेगा तो उसको दोबारा करवाऊँगा, नहीं तो जो सब्जेक्ट नहीं करवाए थे उसको करवाने का प्रयास करूँगा। और जो बच्चे इस को परचेज कर लेंगे, नोट्स को परचेज कर लेंगे, 100 रुपये बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती, अगर नोट्स को परचेज करते हैं तो आपको मान के लिए लगभग 2000 के आसपास जो है MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 2000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग, तो इसकी एफिशिएंसी मान लीजिए 90% रहेगी, लगभग 90% क्वेश्चन जो है इसी बुक इसी मतलब मटेरियल से आने वाले रहेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे लेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये परचेज करते हैं 100 रुपये में, तो उनका मान के लिए जितना पेपर करके आएंगे 10 क्वेश्चन और सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन का मतलब जितना आप लोग नंबर पाएंगे तो 40 नंबर और बढ़ने की संभावना रहेगी, अगर ये MCQ क्वेश्चन करके जाते हैं तो।
तो आपका ये भी बेनिफिशियल है। 40 नंबर का मतलब आपके रैंक बहुत अच्छे आ जाएंगे, आपका एडमिशन जो है आराम से जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो भी बच्चे लेट की तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करें कि 100 रुपये आपका नोट्स पीडीएफ नोट्स का अगर 100 रुपये जमा करके आप लोग पीडीएफ नोट्स लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ये समस्याएं हो रही हैं, हम लोग 2 वीडियो ही एक दिन में अपलोड कर पा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा और 1-2 मोबाइल और ख़रीद लेंगे जिससे कि रिकॉर्डिंग एक साथ जो है 2 क्लास में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। क्योंकि ये जो जिस रूम में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पे समस्या ये है कि ये रूम जो है 1 से 4 के बीच में खाली रहता है मनली, और सुबह में शाम में क्या होता है ऑफलाइन बैचें चलती हैं तो हम लोग को जो वीडियो शूट करना रहता है 1 से 4 के बीच में ही हम लोग वीडियो शूट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी ऐसे ही अगर और भी व्यवस्थाएँ रहेंगी और भी मोबाइल रहेंगे और भी माइक रहेगा लाइटिंग की व्यवस्था और दूसरे रूम में करवानी पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग कुछ खर्चे आएंगे, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए जो है हम लोग सोचे थे कि अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हम लोग जो है और अपने काम में जो वीडियो बनाने का काम है इसमें और तेज़ी लाएंगे, और आप लोग जो है डेली सारे सब्जेक्ट की जो है मिनिमम 1 वीडियो तो प्रोवाइड हो ही जाएंगे। तो आप लोगों का हम टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले जो सेमेस्टर वाले उनका सिलेबस खत्म हो जाए या जो बच्चे लीड की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस कम्प्लीट हो जाए। तो आप लोग कोशिश करिए मैक्सिमम जो है आप लोग सहयोग थोड़ा सा करिए जिससे क्या हो कि आप लोगों की फैसिलिटी के लिए ही सारी चीज़ें हम लोग जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए जिससे हम लोग जो है थोड़ा सा मोटिवेटेड हों और वीडियो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों।